हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हमारा सेकेंड डे है स्विट्ज़रलैंड में, और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए हुए हैं। और कल हम इंडियन रेस्टोरेंट गए थे, मींस उस रेस्टोरेंट का नेम ही इंडियन रेस्टोरेंट था। ऑप्शन बहुत कम थे बट खाना बहुत अच्छा था। एंड अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और हम चेकआउट करने वाले हैं। ये हमारा होटल जो है वो ल्यूसन सिटी में है, तो अभी हमें यहाँ एक दो पॉइंट विज़िट करेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे माउंट इटलिस। तो पूरा दिन तो वहीं लगेगा। देन उसके बाद हम जाएंगे इंटरलेकन, वहाँ हमारा दूसरा होटल है। तो अभी हम निकलते हैं। तो अभी हमारा चेकआउट हो गया है और अभी हम होटल के बाहर ही हैं। थोड़ा कार की साफ़ सफ़ाई चल रही है, अभी क्या लंबे सफ़र में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाना पीना चलता ही रहता है। तो अभी थोड़ा साफ़ हो जाए कार, फिर हम निकलेंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं चिपल्स ब्रिज के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं चिपल्स ब्रिज, और यहाँ तो हर जगह से ही अच्छा व्यू है, चाहे वो होटल हो या कोई विजिटिंग प्लेस। तो बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, और वेदर तो अच्छा है ही। तो अभी हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। यहाँ मायरा ने रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको पिजन दिख गए हैं। उनको पिजन से डर लगता है, और ना वो ढूंढती है, एक दिख जाता है ना तो फिर इधर उधर देख के ना ढूंढती है कि कहाँ है पिजन। तो मेरे को ना रोने मिल जाए और मम्मा की गोदी में जाने मिल जाए। बहुत कन्विंस करने की कोशिश की बट मायरा का रोना बंद नहीं हो रहा है। यहाँ का वाटर ना बहुत ही साफ है, इसे रिफ्लेक्शन दिखता है जो भी से बिल्डिंग वगैरह है उसका। तो अभी हम पहुंच गए हैं माउंट इटलिस, एंड अभी हम पार्किंग एरिया में हैं। और अभी हम जाएंगे टिकट लेंगे, देन उसके बाद हम केबल कार से जाएंगे ऊपर, और आप भी हमारे साथ व्यू एंजॉय कीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हमने टिकट ले लिया है, और यहाँ 68 यूरो पर पर्सन का टिकट मिला हमको, और सीज़न टाइम पे और कॉस्टली हो जाता है। और आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो क्योंकि अभी समर तो स्टार्ट हुआ है, अभी प्रॉपर समर आया नहीं है। और ये जो केबल कार है वो स्लोली मूव होती रहती है, ऐसा नहीं होता है कि वो रुकेगी फिर आप बैठोगे, वो मूव होती रहती हैं और आपको बैठना पड़ता है, बट इजीली बैठ जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे ऐसे दो तीन लेबल हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, तो अभी हम देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आइस स्केटिंग भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोग ही कर रहे हैं, बच्चे भी हैं जो करने आए हैं।
तो अभी हम लेवल 2 पर हैं, और लेवल 1 अभी हम नहीं गए, वो हम बाद में जाएंगे। और नेक्स्ट लेवल पर जो एक्टिविटीज़ वगैरह है वो नेक्स्ट लेवल पर है। तो अभी यहाँ तो सिर्फ स्केटिंग वाले लोग ही हैं, तो अभी हम थोड़ा यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह लेके फिर जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। तो यहाँ पर ये आइस केव है, बट अंदर ना ब्लू कलर की लाइट थी तो प्रॉपर वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। एंड यहाँ पर भी मेरी मायरा को पिजन दिख गया, अब मायरा गोदी में ही रहेगी और मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे शाहरुख एंड काजोल का फोटो लगा हुआ है। जब मैं किसी के वीडियो या फोटोज़ देखती तो मेरे को लग रहा था बहुत बड़ा पोस्टर है, बट ये छोटा सा ही है। बट ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अभी लगाया हुआ है अभी तक यहाँ पे। यहाँ पर ना अभी धूप है और चारों तरफ आइस है ना, तो ऐसे ऐसी चमक पड़ रही है ना आंखों में विदाउट गॉगल, तो ऐसे देखने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, इवन मायरा भी अपना गॉगल नहीं निकाल रही है। और यहाँ मैं थक गई हूँ मायरा को लिए लिए, ऐसे मेरे पैर ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बट जाना तो पड़ेगा, घूमना है तो। तो यहाँ पर ना आइस फ्लायर है और स्काई वॉक है, तो अभी हम वो करने जा रहे हैं। स्काई वॉक मीन्स ऐसा एक ब्रिज बना हुआ है, उस पर वॉक करके जाओ आप, फोटोज़ वगैरह निकालो माउंटेन के बीच में। और इसको चलने पे ना इतना मूव हो रहा है और मैं तो वैसे ही डरती हूँ। और आप यहाँ मतलब फ़ोटो निकलवा सकते हैं, और बाद में अगर आपको लेना है तो आप 10 10 यूरो लगता है फ़ोटो का। एंड आई सेम आइस फ्लायर में वो फ़ोटो निकालते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू बाय, उसका भी 10 यूरो का प्राइस है। तो अभी मायरा सो गई है, तो मैं और आज वन बाई वन जा रहे हैं आइस फ्लायर में। तो अभी मैं आई हुई हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा तेज नहीं रहता है कि आपको डर लगे, आराम से आप जा सकते हो। और ये रिटर्न वापस उसी प्लेस पे ही आता है, और ये भी मूव होता रहता है ऑल टाइम। और आप यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ कलेक्ट कर सकते हैं, और यहीं से आइस फ्लायर का भी टिकट मिलता है। तो यहाँ पर ये स्टूडियो है, कॉस्ट्यूम पहन के फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाते हैं, तो हमने भी फ़ोटो निकलवाई है और बहुत अच्छी फ़ोटो आई। मतलब मायरा की हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी अच्छी फ़ोटो आएगी, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो ये फर्स्ट लेवल है, यहाँ पर बहुत बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे थे पहले, बट 5 o'clock क्या है कि बंद हो जाता है, तो अभी सब लोगों के जाने का टाइम है। और यहाँ एक लेक भी है, बट अभी वो फ्रीज हो गई है, तो अभी हम भी निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम निकल चुके हैं माउंटेन क्लिफ से, और अब हमने नीचे आके एक रेस्टोरेंट में समोसा खाया। पाव भाजी जो थी वो ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट, मतलब हम लेट हो गए तो सब मोस्टली ख़त्म हो गया था, बट बाय लक हमको समोसा मिल गया, तो वो भी अच्छा था। तो अभी हम जाने वाले थे एक और प्लेस विज़िट करने, बट अभी मेरी हालत थोड़ा ख़राब हो गई है, मुझे कार में कभी कभी वॉमिट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हमने डिसाइड किया है पहले हम होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो अभी हम यहाँ पर पार्क आए हुए हैं, और यहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट भी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल वगैरह हैं। और अभी क्या सनसेट होने वाला है, तो व्यू भी बड़ा अच्छा है।
यहाँ पर ना यश चोपड़ा जी का स्टैचू बना हुआ है, द एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन। और क्योंकि यहाँ इंडियंस बहुत ज़्यादा आते हैं और DDLG की वजह से भी बहुत फेमस हुआ है, तो दैट्स वन का स्टैचू बनाया गया है यहाँ पे। मैं तो मायरा के साथ बाहर ही घूम रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया। तो अभी हम डिनर के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी खाने की। तो अभी हम डिसाइड कर लेते हैं हमको कौन से रेस्टोरेंट में जाना है और क्या खाना है। तो अभी हमने डिसाइड कर लिया है, हम स्पाइस विलेज में आए हुए हैं और अभी मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाना है, क्योंकि अभी वेटिंग है। तो तब तक हमने सोचा हम मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। तो अभी आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।